नमस्कार, हिमाचल के रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की जो प्रक्रिया लगातार जारी है, मतदान शुरू है सुबह 8 बजे से और लगातार तांता लगा हुआ है मतदाताओं का। काफी बाकी है तो उत्साह भी देखा जा रहा है मतदाताओं को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव मतदान वह लगातार जारी है। आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में 10 बजे तक के मतदान का प्रतिशत के कितने प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। आपको बता दें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे होंगे घोषित। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्र। हिमाचल में 9 बजे तक 4.36% मतदान हुआ है। किन्नौर में 9 बजे तक 2.58% वोटिंग। चंबा में सुबह 9 बजे तक 2.64% वोटिंग। हिमाचल में सुबह 9 बजे तक 4.36% मतदान हुआ है। किन्नौर में 9 बजे तक 2.58%। वहीं बात करेंगे चंबा में, जहां पर 2.64% वोटिंग हुई है। हमीरपुर में सुबह 9 बजे तक 5.1% वोटिंग। हिमाचल में 68 सीटों पर मतदान जारी है। 9 बजे तक सिरमौर में 5.61% वोटिंग हुई है। वहीं कुल्लू में बात करेंगे 9 बजे तक 4.89% वोटिंग हुई है। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे होंगे घोषित। हिमाचल में 9 बजे तक 4.36% हुई वोटिंग। किन्नौर में 9 बजे तक 2.58% वोटिंग। वहीं चंबा में 9 बजे तक हुआ 2.64% वोटिंग। हमीरपुर में सुबह 9 बजे तक 5.1% वोटिंग। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 9 बजे तक सिरमौर में 5.61% हुई वोटिंग। कुल्लू में 9 बजे तक 4.89% वोटिंग। इस खबर पर हमारे साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर बात की जाए तो यहां पर जो वोटिंग प्रतिशत का है वह रेशियो आना शुरू हो गया है, क्या कुछ अभी तक की तस्वीर अगर बात की जाए, मतदान शुरू हुए कल लगभग 2 घंटे हो चुका है, क्या तस्वीर नजर आती है अभी तक की मतदाताओं की? बिल्कुल, अगर हिमाचल के मतदान की अगर बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 4% जो मतदान है पूरे हिमाचल का अभी तक हो चुका है। और अलग अलग अगर बात करें जिलों की तो किसी में 6, किसी में 7, किसी में 4, तो अगर औसतन निकाले तो हम 4% का मतदान है। और लोगों में भारी उत्साह है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है हिमाचल का, तो कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, उसके देखते हुए भी लोग ठंड से बाहर निकल रहे हैं। कि कुल्लू मनाली की बात करें, उससे ऊपर जाए तो वहां पर भी बर्फबारी का जो माहौल था पूरे हिमाचल में ठंड का माहौल हुआ है, परंतु फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने मतदान के जी। अगर विनोद जी बात की जाए तो किसी युवा मतदाता से या सीनियर मतदाता से जो सबसे ज्यादा उम्र के हो, उनसे कोई बात हो पाई आपकी मतदाताओं को लेकर, अगर रुझान लिया हो वोटर्स को लेकर? विनोद जी क्या अभी तक आपकी कोई युवा मतदाता से जो पहली बार वोटिंग करने गया हो, या सबसे सीनियर मतदाता जो एज ग्रुप में सबसे ज्यादा सीनियर हो, वह क्या अभी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या कोई बातचीत हुई उनसे आपकी? अभी तक हमने किसी मतदाता से बात नहीं करी है क्योंकि अभी चुनाव का जो माहौल है थोड़ा सा अजीब सा है। तो हाँ, अभी कुछ ही देर में आपको तो चाहे कम उम्र का पहली बार मतदान कर रहा है या ज्यादा उम्र का, उनसे भी आपको रिव्यू भी करा देंगे। साथ साथ ही पूछते हैं कि क्या किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ा, किन मुद्दों पर वो वोट डालने आए हैं, आखिर क्या उनके मुद्दे और क्या सोचते हैं उन्होंने वोटिंग किया जी। चलिए, हमारे साथ विजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। विजय कुमार, सिरमौर से आप जुड़े हैं,
सिरमौर की अगर बात किया है तो क्या चुनाव की तस्वीरें हैं, मतदाताओं का क्या रुझान देखा जा रहा है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? सर नमस्कार जी, जिला सिरमौर के पांचों विधानसभा क्षेत्र में लगभग मैदानी इलाकों में जैसे पौंटा साहिब और नहान में कतार में नजर आ रहे हैं मतदाता, और लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है हमारे शिलाई विधानसभा, रेणुका विधानसभा और पछाद विधानसभा, यहाँ पर इक्का दुक्का आ रहा है। जबकि अभी तक जिस पोलिंग बूथ में मैं हूँ 57/24 वहां पर अभी कुल मतदाता 292 है, अभी मत गिरे है 30, जबकि लगभग 5-6% का आंकड़ा होने जा रहा है। लेकिन दूर दराज के क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, जबकि मतदान मतदाताओं को पैदल आना पड़ता है। अगर विजय जी बात किया यहां पर तो क्या वोटर्स के लिए कुछ निर्वाचन अधिकारी द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा कोई व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको आवागमन में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े? जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टियों ने अपनी अपने निजी वाहन से मतदाताओं को आने के लिए सुविधा मुहैया करवाई है, लेकिन देखने में नजर ये आ रहा कि यहाँ पर लगभग ठीक जिस तरह कतार में लोग नजर आ रहे हैं, ठीक प्रतिशत शाम साय क्षमा चाहूंगा साय 5 बजे तक ठीक प्रतिशत मतदान इस क्षेत्रों में गिरेगा। जी विजय आपको रुकना चाहूंगा, बंद रहेगा, हम दौलत का रुख करेंगे, कांगड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत जुड़े हुए हैं। दौलत, कांगड़ा की तस्वीर क्या है चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, लगभग 2 घंटे पूरा हो चुका है मतदान शुरू हुए, अब तक क्या कुछ तस्वीर नजर आती है कांगड़ा की? देखिए कांगड़ा में सुबह 8 बजे जो है मतदान शुरू हो गया है, जब शुरू हुआ मतदान तो 1 घंटे तक तो रफ्तार काफी धीमी रही, लेकिन अब कुछ जो है वो चुनाव जो है जोर पकड़ने लगा है और मतदाताओं की भीड़ जो है विभिन्न पोलिंग बूथों में नजर आने लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो 10 बजे का जो अपडेट है उसमें 6-7% तक जो मतदान है वो जिला कांगड़ा में हो चुका है, कहीं कहीं कम है कहीं कहीं ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा ठंडा प्रदेश है, ठंडी थोड़ी सुबह सुबह थी तो थोड़ा सा अभी धीमा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो ये मतदाताओं की जो रफ्तार है वो आगे भीड़ जो है आगे ज्यादा उभरनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है कि मतदाता जो है काफी उत्साहित दिख रहे हैं और काफी संख्या में जो नए मतदाता इस बार मतदान में प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। दौलत अगर बात की जाए तो क्या अभी तक आपकी किसी मतदाता से बात हो पाई है क्या? अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्साह अगर दिख रहा है संख्या, अगर मतदान केंद्र पे देखी जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आई अब तक या पुरुषों की? नहीं, अभी जहां मैं पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ वहां पर तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि सुबह का समय है तो अपने अपने काम में थोड़ी महिलाएं व्यस्त रहती हैं, लेकिन हमें आशा है कि 11-12 बजे के बाद महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जिला कांगड़ा की बात की जाए तो यहाँ 50-50 जो संख्या है वो महिलाओं पुरुषों की है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी अब आगे आने वाले जो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो युवाओं मतदाताओं से जैसे आपने कहा है कि, लेकिन हम ये जल्दी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी संख्या में जो नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मतदान कर रहे हैं और जल्दी उसकी अपडेट हम आपको शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विजय कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगा। अगर विजय जी बात की जाए तो अगर अब तक अगर बात की जाए सिरमौर की तो वहां पे मतदाताओं में सबसे ज्यादा रुझान किस एज ग्रुप में देखा गया है, युवाओं में या बात करें तो एवरेज या सीनियर सिटीजन, किस तरह के मतदाता वहां पर सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग कर चुके हैं? नौजवानों के उसमें ज्यादा रुख नजर आ रहा है मतदान में, और जिस तरह जो बुजुर्ग है वो इक्का दुक्का करके मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो साहब मतलब यानी कि अपंग है उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, उनको अब जो कतार नजर आएंगी वो 12-1 बजे के बाद, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है संख्या अधिक है और धीरे धीरे मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर विजय जी बात की जाए हिमाचल में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है क्या जो चुनाव मैदान में खड़ा हो, जिसको लेकर वोटर्स में खासा उत्साह दिखा जा रहा हो? जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जिला सिरमौर के नहान विधानसभा क्षेत्र में, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व में रहे मंत्री सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। और वहीं बात करें पौंटा साहिब से, हिमाचल प्रदेश सरकार में भाजपा के
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, वो भी बिल्कुल बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एवं लोकसभा सांसद जिनका अपना चुनाव निर्वाचन क्षेत्र पछाद है, सुरेश कश्यप जी, वहां से रीना कश्यप जी बड़ा चेहरा माना जा रहा है। लेकिन गौरतलब यह है कि वहीं पर कांग्रेस के बागी गंगूराम मुसाफिर आजाद उम्मीदवार के रूप में इन्होंने ताल ठोकी है जी। आप बन रहेगा विजय जी। विनोद जी आपका रुख करेंगे। विनोद जी अगर बात किया तो अब तक कोई बड़ा चेहरा जो चुनाव मैदान में हो, क्या उनके द्वारा वोटिंग की जा चुकी है अभी तक? बिल्कुल, अगर चौधरी विधानसभा की बात करें तो जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा से आते हैं और मंडी के 44 नंबर बूथ पे उन्होंने अपना मतदान भी कर दिया अपने परिवार के साथ। उससे पहले देवी दर्शन के जाते हैं, मंदिर दर्शन जाते हैं, उसके बाद वो मतदान करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो हर चेहरा लगभग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बड़े नेता से कहा है, मतलब बीजेपी नेता से सबसे आग्रह किया कि वो वोटिंग जरूर करें। तो यही कारण है कि शायद सबसे पहले हर नेता, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो हिमाचल के, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन सब ने अपना वोटिंग का जो अधिकार समस्या अधिकार कर दिया है, सभी नेता सबसे पहले ही वोट। चलिए दौलत जी, आपसे बात करना चाहेंगे। दौलत, अगर बात की जाए तो कांगड़ा में, अगर बात की जाए तो देखा जाए तो काफी नगर रहा है कांगड़ा देश के मानचित्र पर। तो अगर वहां की सियासत की बात की जाए तो जैसा कि चुनावी घमासान है, लगभग क्या सामने आएगी, कितना प्रतिशत लगभग वोट प्रतिशत होगा यहां पर, अगर पिछले चुनाव 2017 की बात की जाए तो? दौलत, आवाज आ रही है आपको? 2017 में जो वोट प्रतिशत था, क्या वह इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ेगा या उसी के समतल रहेगा या गिरने के आसार हैं जो वोट प्रतिशत है, अगर अब तक वोटिंग की बात की जाए तो? दौलत, अभी तक ये है 7-8% तक ये पोलिंग जो जिला कांगड़ा में हो चुकी है, और जहां मैं जो ज्वाली विधानसभा में खड़ा हूँ वहां पर ये आंकड़ा जो है 10% तक पहुंचने की संभावना है। चलिए, तमाम आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें, हिमाचल चुनाव को लेकर लगातार जो मतदान है वह जारी है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कांगड़ा की है जहां पर मतदान चल रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर सोलन की, जहां पर लोगों में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है, और तीसरी तस्वीर चंपा, वहीं अगर बात करें तो चौथी तस्वीर सिरमौर और पांचवीं तस्वीर शिमला से। हिमाचल प्रदेश में लगातार वोटिंग मतदान जारी है, जहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कांगड़ा, सोलन, चंबा, सिरमौर और शिमला से। तो आज 68 विधानसभा के 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। खबरों में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर बीजेपी कोर